अगर आप लोग अपने घर में वाईफाई कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोगों के मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हमें कितना एमबीपीएस वाला प्लान लेना चाहिए, 30 एमबीपीएस, 40 एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस या फिर 200 एमबीपीएस। कितना एमबीपीएस वाला स्पीड अच्छा रहेगा हमारे इंटरनेट के लिए और कितना हमारे लिए सुटेबल रहेगा, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप अगर वाईफाई कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको कितने एमबीपीएस का प्लान लेना चाहिए ताकि आपका पैसा भी कम से कम लगे और आपका इंटरनेट भी अच्छा खासा चले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप किसी भी कंपनी का वाईफाई लगवा रहे हैं, किसी भी कंपनी का ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा जो प्लान होते हैं 40 एमबीपीएस, 30 एमबीपीएस या फिर 50 एमबीपीएस या फिर 100 एमबीपीएस, 500 एमबीपीएस ऐसे करके स्पीड होते हैं, तो उन्हें देखने से लगता है कि भाई इतना ज्यादा तेज हमारा इंटरनेट चलेगा और काफी सारे लोग इसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मैं भी पहली बार शॉक हो गया था जब मैंने ये प्लान देखा, जब मैं खुद के लिए वाईफाई लगवा रहा था तो मुझे लगा भाई 40 एमबीपीएस यानी कि अगर मुझे कोई मूवी डाउनलोड करनी हुई तो केवल 5-10 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, 100 एमबीपीएस, 200 एमबीपीएस ये कितना फास्ट है। लेकिन अब मैं आपको इसकी असली सच्चाई बता देता हूँ। ये जो प्लान आते हैं ना, जो जियो का हो गया या फिर एयरटेल का, जो आपने देखा होगा 40 एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस, तो आपने देखा होगा वो जो स्पीड होता है एमबीपीएस में होता है उसमें जो बी होता है वो स्मॉल वाला होता है, ओके। और जब आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जब आप लोग कोई फाइल डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन या फिर कोई फाइल अपलोड करते हैं तो वहां पर जो इंटरनेट खर्च होता है, जो खपत होती है वो एमबीपीएस में होती है, कैपिटल बी वहां पर होता है, ओके। तो कैपिटल बी और स्मॉल बी में आप लोग अंतर समझ लीजिए। जो कैपिटल बी होता है उसका मतलब होता है बाइट, और स्मॉल बी वाला जो होता है उसका मतलब होता है बिट्स। तो एक बाइट में करीब 8 बिट्स होते हैं, ओके। जो कंपनियां आपको इंटरनेट प्लान देती हैं वो बिट में देती हैं, ओके, बिट्स में देती हैं, और जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट, जब भी कोई फाइल वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो बाइट में डाउनलोड होता है, ओके। तो एक बाइट में 8 बिट आता है। तो जैसे मान लीजिए आपने 40 एमबीपीएस का स्पीड लिया, मैंने 40 एमबीपीएस का स्पीड ले रखा है, तो जब मैं इससे कोई भी फाइल डाउनलोड करता हूं तो करीब 5 एमबी पर सेकंड का स्पीड मुझे मिलता है, क्योंकि 40 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने बताया ना एक बाइट में 8 बिट होता है, ओके, 8 स्मॉल वाला बी होता है एक बाइट में, तो 8 से 40 को डिवाइड कर दीजिए तो करीब 5 बाइट पर सेकंड का स्पीड मुझे मिलता है, यही इसका सिंपल सा फंडा है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बिट और बाइट में क्या फर्क होता है और ये प्लान किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर आप लोग प्रूफ के तौर पर मेरे इंटरनेट का स्पीड देख लीजिए, यहाँ पर स्मॉल एमबीपीएस में करीब 40 से 50 एमबीपीएस का स्पीड दिखा रहा है, लेकिन जब भी मैं कोई फाइल डाउनलोड करता हूँ तो वहां पर उसकी स्पीड जो पर सेकंड में फाइल डाउनलोड होता है करीब 5 एमबी पर सेकंड में डाउनलोड होता है। तो 8 से डिवाइड अगर हम करेंगे 40 एमबीपीएस को तो करीब 5 एमबीपीएस पर सेकंड में आता है। तो ये मेरी इंटरनेट की एक्चुअल स्पीड है मेरे वाईफाई राउटर का। तो जब भी आप अगर कनेक्शन लेने जाते हैं वाईफाई या राउटर का तो आप जो भी इंटरनेट प्लान ले रहे हैं उसको आप लोग 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। 8 से डिवाइड करने के बाद जितना नंबर आएगा समझ लीजिए आपको एक्चुअल में उतना ही स्पीड देखने को मिलेगा। तो इतना ज्यादा स्पीड मेरे लिए बहुत ही अच्छा खासा है, इतने में मेरा काम चल जाता है। अगर आपका इतने में काम नहीं चलता है तो 300 एमबीपीएस का स्पीड ले सकते हैं, उसको 8 से डिवाइड कीजिए तो करीब आपको 50 से 60 एमबीपीएस का स्पीड आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा स्पीड सूट करता है, किस में आपका काम चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है एमबीपीएस और एमबीपीएस को लेकर या फिर वाईफाई से रिलेटेड या फिर इंटरनेट प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजिएगा।